अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, इस वक्त मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि बच्चों के स्कूल में साइंस फेयर चल रहा है, और उसी की बच्चे तैयारी कर रहे थे और प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे थे। तो आज जो है वो मैं आप लोगों को स्कूल में चल के उस सैद का प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगी, और उष्णा का प्रोजेक्ट भी आप देख सकेंगे, साथ में उस सैद की प्रेजेंटेशन भी आप देखेंगे जो वो टीचर्स को दे रहा था। तो ये सब कुछ आप इसी वीडियो में देख सकेंगे, और इसके अलावा शीन से मैंने कुछ शॉपिंग की थी वो आप वीडियो के एंड में देखेंगे। और इसके साथ में जो इस वक्त शूज़ पहन के जा रही हूँ वो मैंने मंगाए थे शीन से, और उसका रिव्यू जो है वो आप वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलें, अभी ये तैयार हो लेती हूँ और फिर चलते हैं स्कूल। ओके जी, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और इरफान का कर रही हूँ वेट। और वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, सुबह उठ के मेरे लिए कहीं जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त मैं एनर्जी के साथ तैयार हुई हुई हूँ क्योंकि मुझे देखनी है अपनी बेटी की प्रेजेंटेशन। और 3 साल के बाद जो है वो स्कूल में हम कोई इवेंट जो है वो अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो इरफान जो है वो सैद का अटेंड करेंगे और मैं जो है वो उष्णा का अटेंड करूँगी। और जी, आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने बच्चों की पिछली अचीवमेंट पे काफ़ी सारी दुआएं भी दी और मुबारकबाद भी दी, तो बहुत अच्छा लगा देख के। मैंने बच्चों को बताया तो वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और अभी भी आप मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे इरफान अपनी मदर से बात कर रहे थे, उनकी आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आंटी को शिफा दे, आमीन सुम आमीन। तो बस जब हम इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो हमारा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो अभी हम लोग स्कूल में आ चुके थे, ये है उष्णा का प्रोजेक्ट, और उष्णा ने ह्यूमन हार्ट को डिस्क्राइब करना था और उसने जो है वो उसी का मॉडल बनाया हुआ था। और ये बाकी फ्रेंड्स का है ना, क्रिस्टलाइजेशन आपका है बस माँ, ये कैन यू एक्सप्लेन फॉर योर प्रैक्टिस? बेस्ट ऑफ लक। आवाज़ नहीं आ रही, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए बेस्ट ऑफ लक कृष्णा। ये अरहम का प्रोजेक्ट, गुड लक अरहम, नाइस, गुड जॉब हुरब। और सैद ने एयर कूलर का मॉडल बनाया था, और वहीं वो अपने टीचर को एक्सप्लेन कर रहा था हाउ इट वर्क्स। तो अभी जो है वो रात का टाइम था, पूरा दिन गुजर गया, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी नींद पूरी थी नहीं। सुबह जो है वो मैं जल्दी उठ गई थी, फिर बच्चों के स्कूल चली गई थी, और उसके बाद से ही जो है वो मेरा काफ़ी लेज़ी टाइम गुजरा। तो अभी ये जो है वो रात का टाइम था, तो मैं यहाँ पे ग्रीन टी बना रही थी अपने लिए और इरफान के लिए, साथ में जो है मैं कुछ कुकीज़ लूँगी। और अक्सर अवकात जो है वो मैं ओट क्रंच कुकीज़ ले लेती हूँ, इसमें फ़ाइबर होता है, लो कैलरी कुकीज़ हैं ये। तो ग्रीन टी के साथ या चाय के साथ कभी कभार मैं जो है वो यही प्रेफर करती हूँ। तो अभी इरफान जो है वो बाहर मज़े से बैठ के न्यूज़ देख रहे थे। आजकल आपको पता है कि जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो न्यूज़ देख के, न्यूज़ सुन के ही गुजर रहा है सबका। ये ले इरफान, कितने मज़े से लेटे हुए हैं आप। इसलिए आप इस शर्ट में क्यूट लग रहे हैं। नहीं, पता नहीं आपकी कोई एक सब्सक्राइबर है वो कह रही थी कि भाई ग्रे और ब्लू में अच्छे लगते हैं, क्या बात है भाई की ग्रे ब्लू
ग्रे ब्लू शर्ट में, ग्रे का मुझे भी नहीं चलो पता। फिर लेते हैं और ढेर सारी। चलिए जी, अभी ये पार्सल ओपन कर लेते हैं। और ये शीन से मैंने कुछ मंगाया था, ईद गुजर गई है और कुछ चीजें मेरी अभी आ रही हैं। डिलीवरी जो है वो एक्चुअली काफी लेट हो जाती है, 15 से 20 डेज ये लोग लेते हैं। तो अभी मैं ये ओपन करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने शीन से क्या ऑर्डर किया था और कैसी चीजें हैं, क्या मंगाया है। तो ये अभी देख लेते हैं। मैंने मंगाए थे ये दो शूज़, मेरे शूज़ जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं। काफ़ी अरसे से मैंने अपने लिए शूज़ नहीं ख़रीदे थे, कुछ शूज़ मुझे डिस्कार्ड करने थे, तो मैंने फिर सोचा कि नए शूज़ मंगा लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये वाला शूज़, साइज़ चेक करते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल हैं, ये सब कुछ आप लोगों को बताती हूँ अभी। अल्लाह करे साइज़ इसका ठीक हो मुझे। और जी ये मैंने एक पर्पल कलर में मंगाया है ये शू, कलर तो बहुत खूबसूरत है, जैसे ये पिक्चर में नजर आ रहा था बिल्कुल वैसा का वैसा ये शू नजर आ रहा है। इसको पहन के भी देखती हूँ कि साइज परफेक्ट है कि नहीं। वैसे मेरा साइज 40 ही है और ये भी 40 है, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। ये मैं अभी आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। ओके जी, तो मैंने शूज़ पहन लिया है और इंतहाई कंफर्टेबल है, इस जैसा कंफर्टेबल शूज़ मैंने आज तक नहीं पहना है। और कलर बहुत खूबसूरत है और बहुत ही कंफर्टेबल है, इट्स वेरी लाइट और बहुत कंफर्टेबल है। ये देखिए, और आप लोगों को याद होगा मेरे ईद के ड्रेसेस में जो है वो एक पर्पल कलर का ड्रेस था, तो उसके साथ मैंने ये मंगाया था, और दूसरा एक सना सफीनाज वाला था तो उसमें भी पर्पल शेड था, तो मैंने ये शूज़ मंगा लिया था, लेकिन ये मुझे मिला अब है। और ये देखें, बहुत कंफर्टेबल शूज़ है गाइस, बहुत। चलें जी, अभी दूसरा शू देख लेते हैं। ये, और एक शू जो है वो मैंने येलो कलर में मंगाया है। और मैं ज़्यादातर इसी तरह के ही शूज़ पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे सारे शूज़ जो है वो इसी तरह के होते। मेरा पहले वाला येलो कलर में जो शू था वो एक्सपायर हो रहा था, अभी मैं उसको डिस्कार्ड करूँगी, तो अब मेरी कलेक्शन में जो है वो ये नया शू आ चुका है। तो इसको भी मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये पहनने में कैसा है। ये देखें, इसकी छोटी सी हील है, किटन हील इसको बोलते हैं, तो इसकी हील जो है वो छोटी, उसकी थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल है। और अभी भी इसको ट्राई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो जी, मैंने ये वाला शू भी ट्राई कर लिया है और ये शू भी जो है वो कंफर्टेबल है, लेकिन पर्पल वाला शू जो है वो ज़्यादा लाइट वेट था। इसमें जो है वो थोड़ी सी फिंगर्स मेरी बाहर आ रही हैं, वैसे देखने में तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन खैर, आई लव दिस कलर और मुझे इस कलर की ज़रूरत भी थी। सब मैंने गोल्डन लाइट ऑन की हुई है तो उसमें कुछ ज़्यादा ये ब्राइट दिख रहा है, पहने हुए जो है वो नॉर्मल लग रहा था। तो खैर, ये दो शूज़ मंगाए हैं और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी भी मंगा ली थी। ये फिर से मैंने एक रिंग मंगाई है और ये साथ में कुछ ईयर रिंग्स हैं और ये एक ब्रेसलेट मैंने मंगाई है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये है जी रिंग, रिंग्स तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, तो ये रिंग भी बड़ी प्यारी है। और इसके अलावा ये क्यूट से जो है वो टॉप्स हैं पिंक कलर के, ये कानों में ऐसे लगते हैं जैसे कि फ्लावर्स पहने हुए, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। ओके, तो एक रिंग थी, ये टॉप्स हैं और इसके अलावा ये ब्रेसलेट्स मैंने मंगाए थे। ये देखें जी, ये ब्रेसलेट्स हैं और ये रिंग है, बहुत बारीक बारीक से। तो चलिए गाइस, बताइएगा कि आपको मेरी ये शीन की शॉपिंग कैसी लगी है, कौन से वाला शूज़ ज़्यादा अच्छा लगा है। दोनों ही कंफर्टेबल हैं और इंतहाई लाइट वेट हैं, और ये देखें कलर भी बहुत खूबसूरत है, जैसे हम लोग पिक्चर में देखते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। और मुझे तो अब शीन की शॉपिंग की जो है ना वो एक एडिक्शन हो रही है। इरफान की खैर नहीं है, ये सामने कर इरफान का दिखा दिया है, इरफान आपकी खैर नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है।
नहीं, बांध कह रहे हैं बिल्कुल अच्छे रहे, क्योंकि बुरी है बहुत अच्छी है क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा तो फिर मैं एक और ऑर्डर कर लूँ। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।